काफी बड़ा और काफी भारी है ये। ओए 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 ये हुई ना बात, ये वाले पटाखे देख लेती ना मम्मी, शामत आ जाती मेरी। है की चीज है देख, ऊपर और तू मेनू बुद्धू बना रहा है, तू वो नहीं, अब मेनू बम बुद्धू कितना आ बना रहा गए। है। अरे तू किसी को बताना नहीं, भाई की आइसक्रीम रखी थी फ्रिज में, चुपके से निकाल लाया, खा के डंडी वहीं रख देंगे। आइसक्रीम क्या होती है मेरे को पता ही नहीं, ऐसे बोल दूंगा। अब देख तू, अब तू गया बेटा, अब तू। हे गाइस, हे गाइस, आज के मेरे में आपका स्वागत है। तो अच्छा हम करने लगे हैं, क्या करने लगे हैं, अपने क्रैकर्स की अनबॉक्सिंग करने लगे हैं। तो ये रहा पतले वाला कट्टा और ये रहा मोटे वाला कट्टा, लेकिन अपन को समझ नहीं आ रहा है अपन कौन सा कट्टा खोले पहले। मोटू पतलू क्या करें, गिनती कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नहीं, ये वाला हम पहले खोलेंगे, ठीक है। जो रेट मुझे याद होंगे वो मैं आपको बता दूंगा, जो नहीं होंगे वो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा। जो रेट मुझे याद है वो मैं आपको बता दूंगा। और इसको खोलते हैं अभी फटाफट से, उससे पहले कि आप मेरे चैनल को लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो और यार दोस्तों में शेयर कर लो। होने लगे हैं। ओ यार आप में कैसे लगे। खोलते हैं इसको फटाफट से। गया आप कैसे भी खोलेगा। ये तो सबसे छोटा बम दिखाता हूँ, ये रहा सबसे छोटा वाला बम, जो कि है बुलेट बम। 50 रुपए का ये डब्बा था, मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। ये देखो काफी बड़ा साइज है, और इसे जला कर भी दिखेंगे, इसकी टेस्टिंग करके दिखेंगे कि यह कैसा फटता है, ठीक है। पहला हो गया हमारा सबसे छोटे वाला बम पटाखा। मैं आपको दिखाता हूँ यार एक खतरनाक सा स्काई शॉट, ये रहा नाइट विजन, और ये इसमें दो ही स्काई शॉट है, ठीक है, नाइट विजन का मस्त है भाई, पूमा कंपनी का ट्रिपल क्वीन का है, 3 in 1 का स्काई शॉट है, इसमें 3 है स्काई शॉट्स। और ये जलाने के बाद पता चलेगा कि ये कैसा फटता है, इसकी टेस्टिंग करके भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये वाला स्काई शॉट भी ट्रिपल फैशन 3 in 1, और एक ये वाला 3 in 1 का, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ फुल जड़ी 5 पीस, ठीक है, 5 डब्बे, और 5 डब्बों में 5 5 फुलझड़ियाँ। ये 120 रुपये का मेरे को ये पैक पड़ा है। एक मैं आपको दिखाता हूँ क्या चखरियाँ चखरियाँ, तो ये वाली अपनी चखरी कुछ वो अंदर से ऐसी दिखाई देती है, और इसको बड़ा करने के लिए डब्बा नीचे गत्ता लगा रखा हुआ है। ये है मतलब की चीज़, तो पैकेजिंग यार बड़ी सुंदर है इसकी, एकदम क्वालिटी इसकी काफ़ी अच्छी है। इसके मैंने 3 पैकेट लिए हैं, और एक पैकेट मेरे को 100 रुपये का पड़ा है, 300 रुपये के 3 पैकेट। तो मैं आपको जल्दी जल्दी दिखाता हूँ यार, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, ठीक है। तो एक ये वाला चक्री का, इसका भी मैं साइज़ आपको दिखा देता हूँ खोल के कि ये कितनी बड़ी है, इसकी पैकिंग भी कितनी बढ़िया करी है, और ये काफ़ी बड़ा साइज़ है, मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ। इस चक्री का साइज़ भी काफ़ी बड़ा है, और इसकी पैकिंग भी कितनी अच्छी शानदार करी हुई है, एकदम क्वालिटी है भाई, क्वालिटी है मस्त है एकदम, मेरे को पड़ी है शायद 200 की। और एक चक्री होल्ड ली है मैंने, जो कि है कोरोनेशन की म्यूजिक रोल, ये भी काफ़ी बढ़िया लगी, यूनिक लगी, इसलिए मैंने ले ली ये वाली चक्री, काफ़ी बढ़िया है। इसको भी चला के इसकी भी टेस्टिंग करेंगे कि ये कैसी जलती है, इसको लेना सही रहा कि नहीं, इसकी टेस्टिंग करके देखेंगे हम। रावण बम, ठीक है, जो रावण में भी लगते हैं नाजी बम, ठीक है, इसके मैंने 2 ही पैक लिए हैं, क्योंकि ये यार ये बहुत ज़्यादा शोर मचाते हैं, इसलिए मैंने ये ज़्यादा नहीं लिए, 2 ही डब्बे लिए हैं इसके मैंने नाजी के।
कुछ ऐसे दिखाई देते हैं अंदर से, काफी बढ़िया क्वालिटी है इनके भी। पंच अवतार का ये वाला स्काई शॉट छोटे वाला, कोरोनेशन कंपनी का, और एक डब्बा मुझे 120 रुपए का पड़ा। ये वाला 10 कदम स्काई शॉट है, ठीक है, पेंटा मिसाइल की तरह, और इसमें 10 पैकेट होते हैं ऐसे सिंगल सिंगल छोटे छोटे, ये भी ऊपर जाके फटने वाला है, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ अनार, अनार की अलग अलग वैरायटी है मेरे पास काफ़ी सारी। तो अनार मैंने सबसे ज़्यादा लिए। सबसे पहले मैं आपको सबसे छोटा डब्बा दिखाता हूँ अनार का, तो ये रहा सबसे छोटा डब्बा अनार का, ठीक है। अनार के आपने प्राइस वीडियो में देख ही लिए होंगे पिछली वीडियो में, तो अगर नहीं देखे तो जाके वो पिछली वाली वीडियो देख लो। तो अनार के प्राइस आपको पता ही है कि क्या क्या है, तो मैं प्राइस नहीं बताऊंगा अनार के। मेरा फ्लावर पॉट सबसे छोटे वाला लिखा भी हुआ है लेकिन है सबसे छोटा। तो ये रहा एक सबसे छोटा अनार, ठीक है। तो ये ऐसे वो दिखाई देता है डब्बे में, तो एक डब्बे में 10 होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16। तो एक डब्बे में 10 अनार होते हैं। होना आएगा ना मजा, अनार दिखा रहा है वधिया वधिया अनार, चेक कर दे जाओ, बस लाइक कर दो फटाफट से। फ्लावर पॉट मरकरी का स्पेशल, ठीक है, ये वाला अनार का डब्बा, तो इसका साइज काफी बड़ा है, मस्त है एकदम। और इसमें भी दस ही होते हैं, सब में 10-10 होते हैं, ठीक है, 10 ही है ना, गिनती कर लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 ही है। कोरोनेशन का सुपर जाइंट फ्लावर पॉट्स, ठीक है। ये वाला इसका साइज मेरे को सेम लग रहा है, क्यों? इन दोनों का साइज देखते हैं, नहीं थोड़ा, हाँ यार थोड़ा सा ही फर्क है, ये थोड़ा सा बस चौड़ा है और ये थोड़ा सा पतला है बस। हाइट में तो यार दोनों बराबर ही है, ठीक है। कुछ ऐसा दिखाई देता है अंदर से, टिम टिम का मिट्टी वाला अनार, इसे मिट्टी वाला अनार भी कह लेते हैं और मटके वाला अनार भी कहते हैं। टिम टिम का सबसे छोटे वाला मिट्टी वाला अनार, ये कुछ ऐसा दिखाई देता है अंदर से। अब ये फ्लावर वो अभी उत्तेरी की, और नीचे से डब्बा खुल गया, जैसे डब्बा ही खुल गया, नीचे से डब्बा ही खुल गया इसका। ये टिम टिम वाला अनार है, ऑरेंज रंग का, रेड कलर का ये वाला, साइज भी और इसका साइज भी सेम है। डब्बे को पैक करते हैं अभी, ये तो डब्बा ही कुछ पूरे ही हो, तो कांड ही हो गया डब्बे का। आलू ले लो, आलू। मैं नहीं मानता। तो इस डब्बे में ऐसे कुछ 10 अनार होंगे, ठीक है। तो ये वाला 2-in-1 का डब्बा है, ठीक है, 10 अनार है इसमें मिट्टी वाले। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ जैस्मिन कंपनी का फ्लावर पॉट, और इसका साइज काफी बड़ा है, पहले वाले अनार के मुकाबले इसका साइज काफी बड़ा है। जैस्मिन कंपनी का ये वाला अनार है, मस्त है। तो क्या बात है, डीलक्स फ्लावर पॉट्स गुड़िया कंपनी का, काफी बड़ा वो तेरे की, देखो यार इतना बड़ा अनार है, मजा आ जाएगा जलाकर, सचमुच का अनार नहीं है। एक ये वाला अनार था सबसे बड़ा, ठीक है, और एक इससे भी बड़ा अनार है, ये देखो इससे भी बड़ा अनार है। फ्लावर पॉट टिम टिम का गिफ्ट पैक, काफी बड़ा और काफी भारी है ये,
ये हुई ना बात, ये है बहुत तेरी की तेरी। ये देखो यार, इसका साइज देखो, कंपेयर करो देखो दोनों दोनों में कितना ज्यादा फर्क है यार, दोनों में बहुत ही ज्यादा फर्क है। ये चेक करो नार, कितना बड़ा नार भाई। अभी तो कह रहा हूँ सब्सक्राइब कर लो, इन सब की टेस्टिंग भी मैं आपको दिखाऊंगा। आप देखना चाहते हो टेस्टिंग इन सब की, तो कमेंट में मुझे एक बार ही बता देना। तो मैं छोटे वाले डब्बे का बड़े वाले डब्बे में ढक्कन लगा रहा हूँ उसका। मैंने कहा ये बंद ही नहीं हो रहा, ये तो इसका है ढक्कन। अब हो गया ये खाली, ठीक है खत्म। इस वक्त मैं पूरे पटाखों स्टाखों में घिर चुका हूँ, और ये फुल जड़ी तो मैंने आपको दिखाई दी थी पहले, तो एक बारी मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। ओए होए होए होए, चेक करो यार, काफी बड़ा साइज है इसका भी, फुल जड़ी का। तो ये सब हमारे पटाखे हो गए, ठीक है। ये अनार, स्काई शोर्स, चखरी वखरी, ठीक है, फुलझड़ी वगैरह। इस वाले कट्टे में जो है यार बड़े खतरनाक है, ठीक है, पटाखे यार इसमें भी बड़े खतरनाक, बड़े बड़े से। और इसकी अनबॉक्सिंग मैं आपको दिवाली के आसपास दिखाऊंगा। अगर इस वाली वीडियो में 100 लाइक्स आ जाते हैं तो इसकी अनबॉक्सिंग कर देंगे, वरना ये मैं आपको दिवाली के आसपास दिखाऊंगा कि इस कट्टे में क्या है। इसमें तो भाई बहुत ही खतरनाक है, मस्त एकदम मजा आ जाएगा आपको ये वाला कट्टा देख के। तो केड़े ओ मम्मी आ गई। है बाम अरे वाले देवा, है? हाँ पता नहीं। अरे दिखा तो सही है, अरे इन्हें सारे बम क्यों लेके आए हैं, प्रदूषण होएगा की फायदा है ने? हाँ? अरे ये बम बहुत तेज चलते ने, इन्हें तेज वाले बम क्यों लेके आए हैं, आप मैंने ले, पता नहीं किधर आ गई, मैंने लाया आप ही आ गई। नहीं कितना आ गए, तू ही तो लेके आया है। नहीं वो शायद आप ही आ गए। अच्छा मेरे बम नहीं आए थे। ये मम्मी अल्लाह मेरे तेरे लिए वास्ते। हाँ आने। फुलझड़ी गड्डी अच्छा वाली देख। अरे ऐसे बहुत बड़ी है। हाँ है ना, काफी अच्छे हाँ हैं बढ़िया है। अरे तेरी, ये वाले पटाखे मम्मी ने खोल के नहीं देखे, अच्छा हुआ। अगर ये वाले पटाखे देख लेती ना मम्मी, शामत आ जाती मेरी। मैंने बोल दिया फुलझड़ी है इसमें। थक गया मैं, पैक करते करते इस कट्टे में वापस से मैं पैक कर रहा हूँ सारे बम। बड़े बम है। अरे नहीं आते फुलझड़ी है। फूल जड़ी कितने है, अरे इन्हें बड़े बम क्यों लेके आया है, इन्हें बड़े बम नहीं सिखाने, ये तो बहुत तेज आवाज आती है इन्हें, मैं तो डर पकड़ा जानी। गया। बम है देख, अरे तू मैनू बुद्ध बना रहा है, वो नहीं तू मैनू बम बुद्ध कितों आ बना रहा है, गए। अरे तू मैनू बुद्ध बना रहा है जी, ऐसे बम है रहे मोटे मोटे। और की करांगा इधर, हाँ मैं काम कर रहा हूँ, जला दूंगा। इस साइज की है 5 फुलझड़ी है इसमें, नॉर्मल साइज है ये, ज्यादा बड़ा साइज नहीं है। अच्छा दिवाली दूर है लेकिन शौक तो दूर नहीं है ना, बात जो महंगी हो जाएंगी पटाखे, इसलिए मैं पहले ले आया। यही पटाखे डबल रेट में मिलेंगे बाद में, तो इससे पहले मैं चखरी लेता नहीं था। मैं तो क्या ही मैं बम बना ले गया, बिना पटाखों के दिवाली तो बेकार लगती है, तो बम तो थोड़े बहुत होने ही चाहिए। तो इस बार चखरी भी चलाएंगे मस्त, वैसे मैं चखरी चलाता नहीं था क्योंकि तो जगह नहीं थी चलाने को, अब जगह है मेरे पास, तो चखरी भी चलाएंगे फुल मस्त। ओके नीचे ओ केड़े पटाखे तो ये वाले बुलेट बम है, ठीक है। अरे बुलेट बम तो भी डर लग रहा है, मैंने तो बहुत, मैं तो डर जाती हूँ।
तो ये इतने ज्यादा जोर से फटने वाले नहीं है, वैसे ठीक ठाक है। की चीज है ऊपर जाने वाला स्काई शॉट है, ठीक है स्काई शॉट है, आसमान से जाके फटेगा मम्मी, आसमान से जाएगा। मस्त इतना जाके ना ऊपर खिलर जगह तरह जाके मस्त हो जाएगा। अच्छा इधर जो अनार है, अनार से मेनू अच्छे लगते बहुत ज्यादा। शोर मचाने वाले जो पटाखे हैं जैसे नाजी और ब्रेड वगैरह, तो ये अच्छे नहीं लगते मेरी मम्मी को। बाकी अनार फुलझड़ी ये सब चरखरिया बिकरी ये सब अच्छे लगते हैं। हाँ दोस्तों को भी बांट देंगे थोड़े बहुत, बहुत ज्यादा बम है ठीक है। इस बार मेरे पास ये फर्स्ट टाइम है जो मैं इतने सारे बम लेके आया हूँ, पहली बार, पहले नहीं लाता था मैं इतने बम, इस बार लेके आया हूँ। काफी देर तक जल रही यार, देखो ओह खाता हूँ। अच्छी चरखड़ी है ये तो। मैं थोड़े बहुत पटाखों की टेस्टिंग करके दिखाने वाला था, लेकिन क्या हो गया वो मैं आपको दिखाता हूँ।